हेलो गाइस, सो दिस इज द वीडियो ऑफ द मेंसुरेशन। सो इसमें हम जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, सारे कवर करेंगे मेंसुरेशन के। तो यहाँ पे एलएसए मतलब होगा, एलएसए मतलब भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, और मतलब जो रहता है। तो यहाँ पे हम क्यूबॉइड देखें, तो क्यूबॉइड में क्या रहता है, लेंथ रहती है, ब्रेथ रहती है, हाइट रहती है। तो जैसे इसका वॉल्यूम देखें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और बात करें लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा ना, वो एक लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। तो उसके लिए अपन को क्या करेगा, कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्यूबॉइड का रहता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब यदि आपके पास एल बी और एच ये तीनों की वैल्यू है, तो आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। या आपको यहाँ की वैल्यू दी है और ये आपसे कुछ मतलब यहाँ से कुछ मतलब ये आपको लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू दी है और आपको हाइट पूछ लिया और लेंथ और ब्रेथ दी है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब ये यहाँ पे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 22/7 या 3.14। और इसकी यहाँ पे आपको रेडियस दी रहेगी और ये हाइट रहेगी, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया देखें, तो ये होता है 2πRh, इसका जो रहता है 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया रहता है 2πRr+h। ये नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूबॉइड में क्या था, इसकी जो लेंथ थी, ब्रेड थी, हाइट थी, मतलब अलग अलग, मतलब ये अलग अलग थी, मतलब साइज में, मतलब कुछ मतलब ये तीनों थी वो अलग अलग साइज में थी। लेकिन ये क्यूब है तो उसमें सारी मतलब जितना भी क्यूबॉइड मतलब ये इसकी जो ए है वो पूरी सेम रहेगी, लाइक स्क्वायर जैसी। तो यहाँ पे देख वॉल्यूम रहेगा तो वो ए क्यू रहेगा, क्योंकि इसकी जो साइड रहेगी वो सारी सेम रहेंगी। और जो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा वो रहेगा 4a². तो लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है कि मतलब ये अपन ने इसकी जो नीचे की साइड है स्क्वायर नहीं किया है, वो ऊपर की साइड। लेटरल सरफेस मतलब ए वाली साइड, वो वाली साइड, ए वाली साइड और ए वाली साइड, तो मतलब ये चारों साइड को हमने देखा है, तो वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा, मतलब ये नीचे की और ऊपर की साइड भी मतलब देखें तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और जो डायगोनल रहता है वो ए रूट थ्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल देख लो, यहाँ से यहाँ तक का देख लो, तो ये रहते हैं ए रूट थ्री। और यदि ये ऐसा वाला देखोगे तो वो ए रूट टू हो जाएगा, जो स्क्वायर का रहता है, यहाँ से स्क्वायर है और यहाँ पे वो क्यूब है। और यहाँ पे कौन देखें, तो कौन का जो वॉल्यूम रहता है वो रहेगा 1/3πr²h। और इस मतलब 1/3πr² लेटरल सरफेस एरिया रहता है ये इस साइड का, जो इस साइड का जो रहेगा वो पाई आर एल रहेगा। और जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा तो वो पाई आर एल मतलब ये तो रहेगा ही, और साथ में ही नीचे जो ये दिख रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब ये ऐसे ही चीज लिखी है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो उसको मैंने बाहर निकाल के ऐसा लिख दिया है कि डायरेक्ट मतलब याद करने के लिए। बाकी ये चीज वही है कि मतलब ये जो सर मतलब जो यहाँ पर रहता है एल एस ए, तो वो ऊपर ऊपर का रहता है और टोटल रहता है वो नीचे बेस का भी रहता है। और ये यहाँ पे मतलब ये मतलब एल है, यहाँ पे एच है, आर है, तो आप एल भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं r² + h² से। तो ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम भी कौन ही है, मतलब ये कौन है, लेकिन हमने फ्रस्टम में क्या है इसको उधर से काट दिया है। तो काटने से क्या होगा कि हमारी जो मतलब एक R1 रेडियस हो जाएगी, एक R2 रेडियस हो जाएगी, तो मतलब उन पे दो रेडियस हो जाएंगे। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/3πh r² + r² + r1 × r2। और जो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा वो पाई r² + r² × l रहेगा। और जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा पाई r² + r² + l, ऐसे मतलब ये लेटरल सरफेस एरिया। तो ऐसे आप फर्स्ट टर्म का भी निकाल सकते हैं। और ये है स्पेयर, तो स्पेयर का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रेडियस दी है, तो ये होता है 4/4/3πr³। तो इसका जो वॉल्यूम रहता है स्पेयर का 4/3πr³। और जो टोटल सरफेस एरिया रहेगा 4πr² और एल एस ए तो इसमें रहेगा नहीं, क्योंकि स्पेयर तो पूरा ही रहता है, तो उसमें मतलब टोटल सरफेस एरिया रहेगा। और ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म में ये हाइट रहेगी, ये बेस रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब प्रिज्म रहता है तो यहाँ पे ट्रायंगल भी रह सकता है, स्क्वायर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो उसमें आपको उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए
आपको एरिया और बेस लेना पड़ेगा, उसकी हाइट लेना पड़ेगी। और जो लेटरल सरफेस एरिया है उसके लिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और हाइट लेना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब प्रिज्म कैसा भी हो सकता है, और टोटल सरफेस एरिया एल एस सी तो रहेगा ही प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ से आप प्रिज्म का भी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेमी स्पेयर, तो हेमी स्पेयर में क्या रहता है, हेमी स्पेयर में क्या रहता है कि ये मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ये भी मतलब हेमी स्पेयर मतलब आधा, मतलब जो स्पेयर तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। उसमें क्या था, आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, उसका 4/3 πr³ था, इस पर 2/3 πr³ रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया रहेगा 2πr² और टोटल सरफेस एरिया रहेगा 3πr². और जो पिरामिड है तो पिरामिड का आप देख सकते हैं कि ये पिरामिड है, तो यहाँ पे कुछ मतलब किसी भी टाइप का पिरामिड रह सकता है नीचे। तो उसका जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, मतलब ये पिरामिड है और ये मतलब प्रिज्म में क्या रहता है, नीचे जैसा है वो सेम टू सेम रहता है, लेकिन पिरामिड में क्या है, ऊपर एक बन पॉइंट रहेगा और नीचे मतलब ऐसे बना रहेगा। तो ये वॉल्यूम है इसका रहेगा बन पिरामिड का 1/3 1/3 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और लेटरल सर्फेस एरिया रहेगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेंथ हाइट, और टोटल सर्फेस एरिया रहेगा एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। और लेंथ हाइट ये है मतलब ये जो मतलब कोई से भी ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ की ये लेंथ हाइट रहेगी। सो थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।